शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शावनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। पर तुम सब यहाँ कैसे, तुम लोगों को कैसे पता आज हमारा बर्थडे है? किसने बताया? तुमने क्या सोचा था? तुम हमें बताओगी नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। शादी की पार्टी तो दी नहीं, अब बर्थडे की पार्टी भी नहीं दे रही हो। ठीक है, सबको पार्टी मिलेगी और बहुत अच्छे से। पर पहले तो ये बताओ कि तुम लोगों को बताया किसने? रोहन। बेचारा सुबह से तुम्हारे बर्थडे के लिए सबको इनवाइट करने में जुटा हुआ है। अब आओ, तुम सबको अपने घर वालों से मिलवाते। अम्मा, ये सब हमारे कॉलेज के दोस्त हैं और ये हमारी ददिया सास और ये हमारी सास। खुश हो, खुश हो। हम वहां जाके बैठते हैं। हाँ, बात करो, आप बात करो। सोने दीजिए ना बीबी जी, आप भी ना सो रहे। सुना तुम यहां कैसे? हमें लगा कि शरमनी है। चीता जी, इस वक्त साली से ही काम चला लीजिए ना। क्या मतलब? कुछ नहीं, हम ना आप ही को बचाने आए हैं आपकी बीवी के प्रकोप से। वो कैसे? याद नहीं है ना आपको? पता था हमें आज आपके प्यारी बीवी का बर्थडे है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी गलती हुई हमसे। हम भूल कैसे गए? भूल गए थे ना? हाँ, भूल गए थे ना? हद है जीजाजी, हद है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। अब जल्दी नीचे चलिए। पता है, दीदी के दोस्त आए हैं और उन्हें याद था। अब आप भी चलिए, इससे पहले कि दीदी को पता चल जाए कि आप भूल गए थे। चलिए जल्दी जल्दी। ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं। ठीक है जीजा जी, तुम जाओ ना। ठीक है, आ जाइए जीजा जी, जल्दी आइएगा, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे तेरी, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हम बेबी जी का जन्मदिन भूल कैसे गए? ये अच्छा नहीं हुआ। तो सब आ गए और हम यहाँ पड़े सो रहे हैं। यार क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? सबसे पहले तैयार होते फटाफट जल्दी। ये समझो, हम ये सब नहीं ले सकते हैं, ये काफी है। देखा रोहन, सबके गिफ्ट्स लौटा रही है, सिर्फ तुम्हारा केक रख लिया। पर तुमने नोटिस किया, तुम्हारी दी हुई साड़ी भी पहनी है। और देखो ना, साड़ी कितनी अच्छी लग रही है।
दीदी, हमको तो लगता है जीजा जी ने तुम्हें कुछ तगड़ा गिफ्ट दिया है जो सबके इतने महंगे गिफ्ट्स लौटा रही हो। अरे यार, शादी के बाद बीवी का पहला बर्थडे है और हम वो भी भूल गए, अब गिफ्ट कहाँ से लाएं? अच्छा तो ये तो बताओ, क्या दिया पतिदेव ने? पर्सनल है। बेचारी हमको शर्मिंदा होने से बचाने के लिए झूठ बोल रही है। अब तुम फंसोगी श्रवणी। कितनी प्यारी साड़ी दी है, लेकिन हर बात दोस्तों के सामने कहने के लिए थोड़े होती है, भला हम सबको क्यों बता? ठीक है, अच्छा मत बताओ, पर क्या खड़े खड़े ऐसी फीकी पार्टी दोगी हमें? बिल्कुल नहीं, हमारी दीदी का बर्थडे है, ऐसे फीके थोड़ी ना हो सकते। हम अभी रंग जमा देते, हमें एक मिनट दो, हम आते हैं। सिर्फ माँ, हम जल्दी बाहर जाकर खाने पीने का इंतजाम करके आते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे रहिए सबके साथ में। शिबू, हम तुमसे पूछने आने ही वाले थे, हम चाय और पकौड़े बना देते हैं, अभी आए। माँ आप बैठिए यहाँ पे, आप रहिए सबके साथ में। अम्मा हम लेके आते हैं जल्दी से। जल्दी जाओ और तुरंत लौटना। जी अम्मा, हम आते हैं लेके। ठीक है, लो एंजॉय करो तुम लोग। शिवांश रुकिए, अब कहाँ जा रहे हैं आप? सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। शामी, हम बाहर से सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करके आते हैं। सॉरी, हमें पता नहीं था ये सब ऐसे आ जाएंगे, वरना हम खुद ही कुछ बना लेते। आप हमारी बात सुनिए, आप परेशान मत होइए, आप अपने दोस्तों के साथ रहिए, हम बस यूं गए और यूं आए, ठीक है? सुनिए, क्या हुआ? Happy birthday. Thank you so much. हम सब बाकी बातें बाद में करते हैं, ठीक है? हम आते हैं फटाफट। सुनो, बैठो बैठो, तुम दोनों का ब्याह हो गया है? जी नहीं माता जी। नहीं? हमको लगा तुम्हारी ये मेहरारू है, ऐसे चिपक चिपक के हाथ पकड़ के, देखो अभी भी पकड़ा है। नहीं माता जी, हम पति पत्नी नहीं है, हम कॉलेज में साथ में ही पढ़ते हैं, दोस्त हैं हम। तब का कॉलेज में सब सी रहते हैं? हाँ, क्योंकि सारे हम दोस्त हैं। तो हम जाएं माता जी? जाओ। नमस्ते। नमस्ते। आज जुग जमाना आ गया है, कॉलेज में ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे ही घूमते, बताओ तो। जाने दो ना अम्मा। अम्मा जी, ये सब हम लोगों को कहाँ भाएगा, है ना? हम लोग अपने कमरे में चलते हैं। हाँ, ये बात तो सही कही। हम आते हैं। अरे अम्मा। माँ, क्या हुआ, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ओ, कमरे में जा रहे हैं।
तुम वो क्या कहते हो जन्मदिन मनाओ। नहीं अम्मा, यहीं रहिए। हम जन्मदिन अपने परिवार वालों के साथ और हमारे दोस्तों के साथ दोनों के साथ मिलकर मनाना चाहते हैं। वैसे भी हर जन्मदिन पे हमारे ताऊ जी, हमारी माँ, बंटी वो सब रहते थे। अब वो लोग नहीं है तो आप ही लोग तो हैं। आप ही तो आशीर्वाद देंगी ना। तुम कह रही हो तो रुकते हैं हम। और बेटा, और हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। ये वो तो सिर्फ हमने इसलिए कहा था कि नाच गाना हो रहा था ना, तो हमको लगा कि हमारा का काम है, इसलिए कहे थे बस। हमारी अम्मा कम थोड़े, आज भी ठुमके लगाए तो चार मोहल्ले में हल्ला हो जाएगा। क्यों अम्मा? नाचना हमारे साथ प्लीज। अरे अरे अरे, गिर जाएंगे हम। हम संभाल लेंगे अम्मा, हम आपको गिरने नहीं देंगे। सुनो 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 माय डियर फ्रेंड, सब सुनो। आज इस पार्टी का एक थीम है और वो थीम है मुखौटा। सबको ये मुखौटा पहन के डांस करना पड़ेगा। सब सब समझ गए ना? स्वीटी इधर आओ। हाँ दीदी, इस पिटारे में ना सबके लिए मुखौटे हैं। ये लो दीदी, ये तुम्हारे लिए। स्वीटी, इन सब की क्या जरूरत है, सिंपल रखते हैं ना। नहीं दीदी, मजा आएगा। सारा परिवार मिलके, सब मिलके नाचेंगे गाएंगे, बहुत मजा आएगा। लो ना। दीदी आपका बर्थडे है, मना मत करो, हम नहीं सुनेंगे। लो। अम्मा जी, ये आपके लिए। ए, हमको नहीं चाहिए। अम्मा जी लीजिए ना, सब मिलके डांस करेंगे। सबको बांट के आते हैं। आप ना सब अपने अपने मुखौटा पहन लीजिए, फिर आके डांस करेंगे, ठीक है? पहन लो। ये क्या है बहू? अम्मा इसे मास्क कहते हैं। रुकिए, हम पहनाते हैं आपको। ऐसे हमारी बिटिया खेल के गुण सीख गई है। अम्मा जी मान गई है तो श्रवणी भी पहन ही लेगी। स्वीटी ये सब तुम क्या कर रही हो? तुम टेंशन मत लो रोहन, सब सही है। भैया यहाँ तो जबरदस्त पार्टी चल रही है। क्या जोरदार सजाया आपने यार, वाह। क्या जीजा जी, दीदी को ढूंढ रहे हो ना? ढूंढो दोस्तों, जीजा जी ना दीदी को ढूंढ रहे हैं। मिलनी नहीं चाहिए। हाँ चैलेंज कर रही हो, वो भी भैया से। भैया देख रहे हो, चलो ढूंढ के दिखा दो भाभी जी को। अरे ढूंढो, चलो चलो डांस शुरू करो। हाँ
जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हम अभी आते हैं रोहन। क्या हो रहा है? हाँ? ये लो, मास्क पहनो, थीम पार्टी है, ऐसे नहीं चलेगा। और जीजा जी, ये आपका है। चलो जल्दी से मास्क पहनो और डांस शुरू करो। अरे आप लोगों ने मास्क नहीं पहना। मास्क पहनिए। नहीं नहीं पहन लीजिए, ऐसे मत कीजिए। आंटी जी, आंटी जी आप भी पहनिए। मम्मी दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे रोहन हमें ना प्यास लग रही है हम कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते हैं दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल भर मेरा एतबार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं अरे तुम दोनों रुक क्यों गए चलो डांस करो हम ये रख लेते समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे हे अम्मा जी आपका कान का पर्दा फाड़ देंगे अपना पर्दा फांस नहीं होने देंगे जी आपका पोता कितने भी उछल कूद कर लेना श्रवणी की ऊंची छलांग का मुकाबला नहीं कर सकता बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब हैं उसके
शिबू जी अम्मा, मेहमानों के लिए नाश्ता लाए हो, सबको खिलाओ। जी मजनू, आओ। हमसे इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई, हमें समझ ही नहीं आया कि गलती तो हमसे भी हुई। हम भी तो आपको समझकर चुईटी के साथ नाच लिए। एक तो वो अंधेरा था और ऊपर से मुखौटा, सब गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो चलिए अब आप भी अपना मन हल्का कीजिए। भाई आज आपका जन्मदिन है, आज तो आपका चेहरा पूनम के चांद की तरह खिला हुआ होना चाहिए। जानते हमारा ये बर्थडे हमारे लिए सबसे ज्यादा खास है। होना भी चाहिए क्योंकि पिछली बार तो हम दोनों एक दूसरे को मरने मारने पे तुले हुए थे। सच में वैसे हमारे पति देव बड़े छुपे रुस्तम निकले। हमें नहीं पता था कि आप इतने रोमांटिक हैं। एक के बाद एक सरप्राइज भी सरप्राइज। और ये साड़ी बहुत प्यारी है, ये साड़ी अपनी जान से भी ज्यादा सहेज के रखेंगे इसे। आखिरकार हमारे पति जी की पसंद जो है साड़ी। लेकिन हमने तो कोई साड़ी नहीं दी। साड़ी नहीं थी मतलब तो किसने थी? चाबी हो सकता है माँ या अम्मा ने दी हो। नहीं शिवांश, माँ और अम्मा ने तो हमें चाबियां दी है। एक मिनट, और शिवान जी ये लेटर, ये टॉफीज, एक मिनट ये देखिए, ये कमल का फूल, ये सब अम्मा क्यों लाएंगे हमारे लिए? और उनको कैसे पता कि ये सब चीज हमारी पसंदीदा चीजें हैं? श्रावणी, हमें तो लगता है इन सब के बीच आपकी ताई जी कहाँ थे? उनकी कोई याददाश्त नहीं कही है। अभी पूछते हैं उनसे कि ये सब करने के लिए यहाँ पे टिकी हुई है। आते हम पूछ के। शिवांश रुकिए, हो सकता है आप जो कह रहे वो सही हो, पर ये भी तो सोचिए आपका अंदाजा गलत भी तो हो सकता है ना। और शिवांश सोचिए, अम्मा के हाथों उन्हें गोली लगी, अभी गलती से ही सही, पर हमने देखा ना उन्हें कितनी बड़ी चोट आई, कितनी बुरी तरीके से वो गिरी थी। अब ऐसे में उन्हें ये सब सोचने का मौका कब मिला होगा? शिवांश
लेकिन हम सब इतना कह रहे कि कुछ भी करने से पहले या कहने से पहले हमें एक बार तसल्ली कर लेनी चाहिए। कोई बात बन नहीं रही है। ये सब आपकी पसंद की चीजें हैं ना? हाँ, ये सब कुछ हमारी बचपन की पसंदीदा चीजें। आखिर ये सब कुछ किसे पता होंगी? बचपन की चीजें उसी को पता होंगी जो आपको बचपन से जानता होगा। रोहन, रोहन आपके बचपन का दोस्त है ना? हाँ शिवांश, मगर रोहन हमारे कमरे में कैसे घुसेगा और वो ये सब क्यों करेगा? वो बहुत शरीफ लड़का है। हमें नहीं लगता रोहन ने ये सब कुछ किया है। शिवांश, आप परेशान मत होइए। पहले पता तो चले कि ये साड़ी भिजवाई किसने। क्या पता हमारी माँ ने भिजवाई हो। शिवांश की तसल्ली के लिए तो हमने कह दिया, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा। पता लगाना ही होगा कि आखिर ये चिट्ठियां और ये साड़ी दी किसने है। जल्दी जल्दी लगा। स्वीटी, हम सोच रहे थे ये शिवांश को जो रोहन से जलाने वाला मामला चल रहा है ना, बहुत धीमा चल रहा है। मतलब हम इंतजार नहीं कर सकते कब ये दोनों अलग होंगे। उसके लिए ना कोई बड़ा धमाका करना पड़ेगा। आ, आ, आप ना मजा खराब मत करो। सबको शक हो जाएगा। जैसा चल रहा है ना, बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसे ही चलने दो। मम्मी, पता है शिवांश ने ना हमको गले लगाया है। हमारे मन में तो अभी तक लट्टू फूट रहे हैं। हम क्या बताएं मम्मी? तुमको शर्म नहीं आती माँ से कहते हुए गले लगाया है? सर दबा ठीक से, लड्डू फूट रहा तुम्हारा, सर फोड़ेंगे, समझी? अरे बेबी जी, देखिए कितना जुकाम हो गया आपको। हवा बहुत तेज चल रही थी ना, तो बाइक पर हमारे दांत कांप रहे थे। अभी तो कह रहे हैं आपसे, अब ध्यान रखिए अपना। हम क्लास के लिए जाते वरना देरी हो जाएगी। जी, ध्यान से। आपका जुकाम तो बढ़ रहा है। हम ना आपके लिए शाम को काढ़ा बना देंगे और फिर देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक है। अरे हम कह रहे हैं ना आपसे, और तब तक इसको ना ऐसे रखिएगा, ठीक है? चलिए हम आपको क्लास तक छोड़ देते हैं। अरे हम चले जाएंगे। चलिए ना। बोलो। रोहन, जानते हो दीदी को ना जुकाम हो गया है। और रोहन, तुम तो बचपन से ही दीदी को जानते हो।
जिनको जब जुखाम हो जाता है तो उसकी तबीयत कितनी खराब हो जाती है। हाँ। रोहन, हमें ही कुछ करना होगा। समझ गए ना? मैं देखता हूँ। जुखामो, कैसी हैं आप? पूछो मत। नाक पोछते पोछते हमारे तो पूरी नाक ही छिल गई है। भाई नाक तो लाल हो गई आपकी। चलिए घर जाके इसका अच्छे से इलाज करते हैं, ठीक है? और तब तक आप ऐसी बबूनी बन के रहिए। चलिए। शिवांश, क्या हुआ? भाई चालू क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं, सुबह तक तो ठीक थी। देखिए जरा क्या हो गया। श्रवणी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, वो पता नहीं, बाइक चालू ही नहीं हो रही है। बाइक खराब हो गई? हाँ, पता नहीं, स्टार्ट नहीं हो रही। लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। हाँ। शिवांश, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो श्रवणी को मैं गाड़ी से घर छोड़ दूं? अरे नहीं रोहन, हम शिवांश के साथ आ जाएंगे, अभी ठीक हो जाएगी बाइक। वो वैसे लड़कियों में से नहीं है जो रिश्ता तोड़ती है। वो बेचारी तो इस थोपे हुए रिश्ते को मरते दम तक निभा लेगी, कुछ भी नहीं कहेगी। श्रवणी, बाहर ठंडी हवा चल रही है, ज्यादा बीमार हो जाओगी। देखो तुम ही समझाओ अपनी धर्मपत्नी को। अरे हम छोड़ देते ना गाड़ी से। श्रवणी, आपकी तबीयत खराब हो रही है। रोहन ठीक कह रहा है, आप इसके साथ कार में चाहिए, हम फटाफट बाइक ठीक करवा के आते हैं। शिवांश, अभी ठीक हो जाएगी ना बाइक, हम आपके साथ ही आएंगे। देखिए आपकी तबीयत खराब हो रही है, ज्यादा हो जाएगी, आप घर पहुंचिए, हम आते हैं। शिवांश, लेकिन श्रवणी, हम कह रहे हैं ना, अब चलो भी। ध्यान से जल्दी आइएगा जी। चिंता मत करना, और कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना। हमें लगता है उस तार से जोड़ना चाहिए। तुम क्या कर रही हो? हमसे तो पढ़ाई लिखाई ना हो पाए। इस कॉलेज में लाइब्रेरियन की पोस्ट खाली थी तो सोचा हम भी अप्लाई कर दें। और जाते टाइम आपको देखा बाइक ठीक कर रहे हो तो हम रुक गए, पर दीदी कहीं नहीं दिख रही है। वो हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए हमने रोहन के साथ उसकी कार में उन्हें घर भेज दिया। रोहन के साथ? हाँ, हमने इज्जत करके भेजा, उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। ये बात तो है, दीदी तो वैसे आपकी सारी बात मानती है। क्या मतलब? नहीं नहीं कुछ नहीं, दीदी को ना जाड़ा बहुत लगता है, जाड़ा का नाम सुनते ही छींकने लग जाती है। वैसे जाड़ा तो अब और भी बढ़ेगा,
पर ये बात भी है, अब दीदी अपनों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, पर अपनों का भी तो कुछ फर्ज होता है ना। नहीं लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब? नहीं, हम ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। रोहन, हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ लेना है। क्या? दवा। दवा किसके लिए? तुम्हारे लिए और किसके लिए, हालत देखिए अपनी। अरे कि दो चार ठीक से हमारा कुछ भी नहीं होगा, और हम वैसे भी दवा ववा नहीं लेते, हम घर जाके गरम काढ़ा पियेंगे। श्रवणी, मेडिकल स्टूडेंट होने के बावजूद तुम ये सब कह रही हो? अरे काढ़े से इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिलता है। रुको, यही मेडिकल की दुकान है, अभी दवा ले लेते हैं। बस तुम यही बैठो, हम एक मिनट बैठते। चलिए हम चलते हैं। जीजा जी, हमको भी घर ही जाना है, हमको भी छोड़ दीजिए ना, वो जाते हुए रास्ते से मम्मी के लिए दवाई भी ले लेंगे। ठीक है, बैठो। अब देखना तुम्हारा जुकाम कैसे सही हो जाता है। वैसे श्रवणी, याद आया हमारा पुराना अड्डा? हाँ यार, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं, बहुत भूख लग रही है, चलें एक एक सूप पी लें। अब रोहन तुम पी लो जाके। अरे हम अकेले ही पियेंगे क्या? यार बचपन में जब भी सर्दी होती थी हम यहाँ आते थे, ये भैया सर्दियों में ये सूप बेचते हैं और गर्मी में लस्सी। एग्जैक्टली देखो कैसे याद है तुम्हें सब कुछ। चलो ना, गरम गरम सूप पियोगी तो तुम्हें भी फायदा ही पहुंचेगा, तुम्हारा कोल्ड यूं गायब हो जाएगा। रोहन सच में हमारा मन नहीं है, तुम पी लो ना जाके। छोड़ो, अब तुम्हारा मन नहीं है तो हम भी नहीं पी। अरे रोहन, लेकिन तुम्हें भूख लगी है ना? नहीं कोई बात, चलते। अच्छा ठीक है, चलते हैं, लेकिन जल्दी आ जाएंगे क्योंकि घर पे सब हमारी राह देख रहे होंगे ना। ये भी ना बात, चलो। ये तो रोहन की कार है, रोहन यहां क्यों रुका है? यहाँ क्यों रुक गए? अरे क्या बताएं, रोहन को इतना मना कर रहे थे पर फिर भी वो जुकाम की दवा लेने के लिए रुक गया। अब जब रुका था
तो उसे भूख लग गई, तो फिर ये सूप पीने के लिए आ गए। तो आप कार में बैठ के पी लेते, ऐसे बाहर खड़े होके पी रहे हो, आपको ठंड लग जाएगी। हम भी दवा लेने आए थे आपके लिए जुकाम की, अब तो रोहन ने ले ली तो हम रहने देते। जीजा जी, अब जब यहाँ पे आ ही गए तो हम भी सूप पी लेते। हमारा मन नहीं है। पता है जीजा जी, हम जब एक साथ पढ़ते थे ना, तब यही पे आते थे सूप पीने के लिए। बढ़िया बनाते हैं, पी लीजिए ना। शिवांश, पी के तो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पी लीजिए ना, हम आपको अपनी पसंद का सूप पिलाते हैं। मजा आ गया ना सूप पी के? बिल्कुल पुराने दिनों की याद आ गई। अच्छा हुआ जो हमने सूप पी लिया, मैं तो नाक एकदम खुल गई है। और फिर फ्रेंड्स की बेस्ट विशेस भी तो हैं, देखना कल तक ठीक हो जाओगी। भैया कितने रुपए? 300 रुपए। अरे रुकिए, हम देते हैं। अरे शिवांश एक ही बात है। अरे रुकिए रुकिए, हम देते हैं ना, पकड़िए। जीजा जी, पैसे कम है क्या? नहीं। कोई बात नहीं, रोहन दे देगा। अमीर दोस्तों का कुछ तो फायदा उठाया जाए, है ना रोहन? तुम भी ना, हम दे देते। अब रोहन नहीं, एक मिनट शिवांश, एक मिनट पकड़िए ना। अब ये पैसा आपने सुबह हमको दिए थे ना, बच गए, लीजिए लीजिए, अब पूरे हो जाएंगे। चलो अब सूप तो हो गया, घर चले। अब रोहन, अब हमारी नाक और बाइक बिल्कुल ठीक हो गई, अब हम इनके साथ चले जाएंगे। देखा, तुम्हारा जुकाम अभी पूरी तरह से सही नहीं हुआ है, और बाइक पे ठंडी हवा लगेगी तो फिर से बीमार हो जाओगे। चलो हम छोड़ देते हैं। शिवांश तुम्हें क्या लगता है, अम्मा जी वो हम कह रहे थे कि बाहर टहलने चले क्या? टहलने? नहीं, कितना जाड़ा बढ़ गया है,
हमको बहुत जाड़ा लग रहा है, हमारी हड्डियाँ ठिठुर जाती है ना। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं कि टहलना जरूरी है। कहा है ना कि देह में फुर्ती रहती है, अगले 100 साल तक भी आप चुस्त रहेंगी। और हम भी घर में पड़े पड़े एकदम ऊब गए। चलिए ना, थोड़ी देर के लिए ही चल लीजिए। अच्छा चल जी, हम आपकी मदद कर देंगे। ठंडे माँ, एक बात बताओ हमें कि तुम्हारी याददाश्त वापस आई कि नहीं है? वो कहाँ आई अभी तक अम्मा जी? आपने कहा था ना वो लड़की हमारी बेटी है, जो स्वीटी रोज हमारे सर पे बैठी रहती है, हमें रोज कुछ ना कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है, पर हमको कुछ याद ही नहीं आ रहा। और वैसे भी आप ही ने कहा था कि हमारे कर्म कोई बहुत अच्छे नहीं है, बड़े कांड किए हमने, तो उससे अच्छा तो याद ना ही है। तो ठीक, यहाँ से नई जिंदगी शुरू करते हैं ना हमने। तो क्या सारी जिंदगी तुम यही रहोगी, हमारे सर पर बैठ के मुंह धरोगी? मुंह धरेंगे नहीं, मुंह बनाएंगे आपके लिए। मुंह सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अरे आपकी सेवा करेंगे हैं? अरे श्रवणी आ गई। हाँ ये तो किसके साथ आई है? शिबू कहाँ है? ये शिबू ही तो है। ठीक है, अच्छा हम चलते। ये तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अम्मा जी, ये तो आम बात है, अगर आप अपने घर की बहू को घर से बाहर भेजेंगे तब तो ये सब होगा ही ना। समय के साथ अब आपको भी बदल जाना चाहिए। तो आजकल के बच्चे हैं, कहाँ बदलेंगे, है ना? अच्छा शमनी, ये हमारे लिए। रोहन, इन सब की क्या जरूरत थी? और डोज टाइम पे लेते रहना। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, ये बुढ़िया जितनी किलसेगी ना घर में उतना ही बवाल मचेगा। ठीक है चलिए। और हाँ, गेट वेल सून। हाँ थैंक यू, तुम भी आराम से चले जाओ। आ जाइए, खाना लग गया है। शिवांश पता नहीं कहां रह गए। शिबू क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा, बस थक गए हम। आज बाइक भी खराब हो गई और कैंटीन में लड़का भी नहीं आया, इसलिए काम बहुत था।
ये क्या है? जब से आप गुहार लगा रही हैं, खाना लग गया। ऐसे लगाते खाना? कलची कहाँ है? हाथ से निकालेंगे? शिवांश, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना तमतमा क्यों रहे? अब नहीं रखी है, आ जाएगी अभी। कोई बात नहीं चीचा जी, हम लेके आते हैं कलची। दुल्हन, क्या हुआ इसे? पता नहीं अम्मा, शायद गलत करवट टूट गए। इतना खिसियाइए मत, कलची आ जाएगी अभी। हम किससे आ रहे हैं? फालतू बात कर रही हैं आप खड़ी होके? बच्चों जैसे क्यों कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बच्चों की तरह। हाँ, हम लग भी जाएगा और दिखाई भी नहीं देगा। अब काम हो जाएगा। जीजा जी रुके, हम देते हैं। हमें दीजिए। अरे हम देते हैं ना, दीजिए। किसने बनाई तरकारी है? क्या हुआ? ये तरकारी है कि जहर? इतना तीखा कौन खाता है? शिवांश, हमने सिर्फ एक ही मिर्चा डाला है। कहाँ तीखा है? ठीक तो है शिबू? ठीक है, इसका मतलब हमारा दिमाग और हमारी जबान दोनों खराब है। शिवांश, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? छोटी सी बात? आपको ये छोटी सी बात लग रही है? हमारा मुंह जल रहा है यहां पे और आप है कि खड़े होकर ज्ञान दे रही हैं। मुंह चल रहा है? हो सकता है आपके मुंह में पहले से छाले हो। रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं इसकी। अपनी डॉक्टरी अपने दोस्तों को दिखाना, हमें नहीं। ठीक है, खाना तो खा लीजिए। नहीं खाना हमें। मातम दुल्हन, गुस्सा शिबू की कमजोरी है, उसे गुस्सा दबाना नहीं आता। हो सकता है कहीं और का गुस्सा यहाँ निकाल गया हो। बाहर कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जो उसे
अच्छा न लगा हो? नहीं अम्मा, बाहर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कभी कभी मर्दों का पारा ना ऐसे ही बढ़ जाता है बिना बात के। ठीक हो जाएगा। वो बाहर कोई तुमको छोड़ने आया था अभी, वो तुम्हारे जन्मदिन पे भी आया था ना, बड़ा मिलनसार लड़का है। पता नहीं क्या हो गया है इन्हें, हम जाकर एक बार बात करते हैं। हम कह रहे थे कि अभी मत जाओ, अभी गुस्से में है ना, पारा चढ़ा हुआ है, बनती बात बिगड़ जाएगी। परेशान में तो ठीक हो जाएगा है ना अम्मा जी? हमें भी यही लगता है कि वो बड़ी ठकुराइन सही बोल रही है। उसको अपने आप शांत होने दो, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ये दही शक्कर? ऐसे भूखे पेट कोई सोता है क्या? मुंह जल रहा है ना, ये खा लो, ठीक हो जाएगा। पेट में आराम भी मिलेगा और जलन भी कम हो जाएगी। ये लो। एक बार मना कर दिए ना, तुमको समझ नहीं आता है? और तुम हमारे आगे पीछे क्यों डोलती हो? दूर रहो हमसे। हाय हमारा बबुआ, दिखा लो दिखा लो, जितने नखरे दिखाने हैं दिखा लो। खाना तो तुम्हें हमारे ही हाथ से है। एक बार सॉरी कह देती, हम खा लेते। न जाने किस बात पे मुंह फूला है, हम भी देखते हैं कब तक खुद को और हमें भूखा रखते हैं। बात में बस अपनी ही चलाएंगी, ये नहीं सोचती कि कुछ खा ले और दवा ले ले, तबीयत खराब करके मानेगी।
सॉरी। कोई बात नहीं, कभी कभी लड़ाई जरूरी होती है वरना बुरी नजर लग जाती है। आपका जुकाम तो कम ही नहीं हो रहा। शिवांश, अब हम ठीक हैं। आप भी सो जाइए, हम भी सो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम ना हो तो श्रवणी को मैं गाड़ी से घर छोड़ दूं। माफ करना अम्मा, तुमसे तो आलू मटर तो अच्छा बनता ही नहीं है। दुल्हन, अरे दुल्हन चाय। ठंडी लग रही है कितनी। लीजिए अम्मा चाय। हाँ माँ रख दे, थोड़ी देर में पीती हूँ। अच्छा ठीक है। माँ, आप लोगों ने शिवांश को देखा क्या? पता नहीं, सुबह से हमें दिखाई नहीं दे रहे। हम फोन भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं पर लग नहीं रहा है। नहीं, हमने तो नहीं देखा। अरे सुबह सुबह ये भोपू कौन बजा रहा है? कहीं वो गाड़ी वाला लड़का, क्या नाम था उसका? रोहन। हाँ वही रोहन, कहीं वो तो नहीं आया? अब देखते हैं ना बाहर चल के। हाँ दुल्हन चाय रखो। हाँ माँ, ये देखिए आंखें चकमा गई ना। अरे ये क्या बवाल है? अरे अम्मा बवाल नहीं, भौकाल है भौकाल। अरे हम खरीदे हैं गाड़ी। तुमने खरीदी है? आपकी दुल्हन के लिए ली है।